यू, गुड मॉर्निंग, वेलकम। सो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, हेल्थी होंगे। आज मैं आप सबको अपना मेकअप करके दिखा रही हूँ, जो मैं डेली यूज़ में करती हूँ, मतलब डेली ऑफिस जाने के लिए। बाकी घर पे भी रहती हूँ तो भी कर लेती हूँ, बाकी मैं असली ऐसी हूँ गंदी। तो मैं अब दिखा रही हूँ, जो अभी थोड़े दिन पहले मेरे को प्रोडक्ट रिसीव हुए थे आर का प्रोडक्ट से, उनके इंस्टाग्राम पर आईडी है आर का प्रोडक्ट, और भी आईडी है, मैं नीचे उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंशन कर रही हूँ। बाल ऐसे फैल रहे हैं क्योंकि मैंने बनाया नहीं, बस ऐसे जुड़ा बांध लिया पीछे को, आता नहीं मुझे वो भी करना, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। तो मैं करके दिखा रही हूँ जो प्रोडक्ट मुझे उनसे रिसीव हुए थे, उसी से मैं आपको करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं वही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। बाकी मेरा बीच में खत्म हो गया था, जब एक दो जनों ने मुझसे पूछा था आप कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, तो मैंने दूसरे की फोटो भेजी थी, क्योंकि उस टाइम मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन था और मैं ले नहीं पा रही थी कहीं से भी। तो मैं मालियों के ही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, ये वाले MALIAO, हाँ ये प्रोडक्ट है, ये क्रीम। इसके अलावा मुझे और कोई यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इतना मस्त ग्लो देती है। बाकी कोई कोई फाउंडेशन भी यूज़ करते हैं, आप कर सकते हो फाउंडेशन वगैरह भी यूज़। इतनी सी क्रीम लेनी है, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी, ठीक है। फाउंडेशन वगैरह जो यूज़ करना चाहते हो कर सकते हैं, मैं नहीं करती क्योंकि मेरे को लगाना नहीं आता, मेरे को लगता है बहन आ जाए। बाकी इनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, है नहीं, वाटर प्रूफ होते हैं सारे। स्पॉन्ज आपके घर में होगा नहीं होगा तो कोई फॉर्म का कपड़ा टुकड़ा ले लेना और इसको ऐसे ऐसे लगाना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, जहाँ भी आपको लगता है आप काले हो, जैसे मैं यहाँ से हूँ, हर जगह से ऐसे ऐसे आपको उसको लगा लेना। थोड़ा सा नेक पर भी लगा लेना, क्योंकि सनटैन की वजह से हमारा नेक काला हो जाता है, सबका ही होता है, जिसका नहीं होता वो बहुत ही अच्छे हैं, किस्मत वाले। बस इसको फिर आपको ऐसे स्पॉन से बस इस तरह से लगा लेना, ठीक है। लाइनर इनका सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट है ये लाइनर है, ये पैकेजिंग है। बाकी एक दिन मैंने पहले और भी पैकेजिंग दिखाई थी लाइनर की, वो भी ले सकते हैं, बट ये मेरे को सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है, इसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी है। ये है काजल, और जो मैं पहले यूज करती थी, पहले मतलब शादी से, शादी जो मेरी हुई थी, शादी के बाद में यूज करने लगी थी, ये मेरा खत्म हो चुका है, देख लो पुराना है, इसमें ये खत्म हो गया है। देन उसके बाद फिर मैंने, उसके बाद से मुझे मिला ही नहीं, और ये मेरा 5 महीने चला था। फिर मैंने बीच में दूसरा लगाने लगी, वो मेरा अच्छा वाटर प्रूफ नहीं था, फिर मैंने इनसे ये कल मंगवाया और बहुत ही मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत खुशी हुई थी जब ये मेरा आ गया था। बाकी मैं ब्लाइंडर लगा लूँ। थैंक यू सो मच आर्का प्रोडक्ट्स, थैंक यू सो मच। आपके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बेस्ट होते हैं और बहुत ही अच्छे रेट्स पर मिल जाते हैं, क्योंकि शॉप्स पर इतने अवेलेबल नहीं हो पाते, शॉप्स वाले थोड़ा महंगा भी देते हैं, बाकी कोई भी ठीक भी देते होंगे, मैं कोई शॉप्स वालों के लिए कुछ नहीं कह रही, बट आपका प्रोडक्ट्स, आपके प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, थैंक यू सो मच। और जो भी लेना चाहते हैं इनसे ज़रूर लीजिए, इनके पास हर कंपनी की है, बट मालियो बेस्ट है, अगर आप मालियो लेना चाहें, मैं जो यूज़ करती हूँ, जो मुझसे पूछते हैं। अच्छी बात है, इसमें इतना सारा होता है, ख़त्म ही नहीं होता, 5-6 महीने में तो चल जाता है भाई, आपका पता नहीं। जबकि मैं रोल लगाती हूँ ऑफिस जाते हुए, घर पे भी रहूँगी, छुट्टी रहेगी तो मैं लाइनर ज़रूर लगाऊंगी, काजल लाइनर के बिना हमसे नहीं रहा जाता। पैक क्या करना है, आप तो वैसे भी रोल लगानी है। आप लोगों के लिए मैंने रोक के रखा था, जिस दिन वीडियो बनाऊंगी उस दिन सब खोलूंगी। इसमें बस हो गया मेकअप, अब इसके बाद जो लोग लड़कियां मैरिड हैं, थोड़ा लगाने में मुझसे गड़बड़ी हो गई, जो लोग मैरिड हैं वो अपना पति के नाम का सिंदूर लगा लेना। हाँ
हाँ सिंदूर के लिए भी सब मुझसे पूछते, तो मैं ये वाला सिंदूर लगाती हूँ, ये फैलता नहीं है, पसीने में भी नहीं फैलता, लगा रहता है, बिल्कुल टिक जाता है। 10 रुपए का है सिर्फ, मगर ये आर का प्रोडक्ट्स के पास अवेलेबल नहीं है। ये मैंने नॉर्मल स्ट्रीट मार्केट जो होती है वहाँ से लिया है, 7-8 ले लिए थे, और अब मेरा ये भी खत्म होने वाला है। एक मैंने अपनी सास के लिए लिया था, एक नंद के लिए लिया था, एक ये मेरा नया पैक पड़ा है। बिल्कुल भी नहीं फैलता, मस्त लग जाता है एकदम। नाक पे मैंने इसलिए हाथ रखा था कि फिर मेरा वो खराब जाता है मेकअप, मुझे पता है नाक पे गिरना अच्छा होता है, बट अच्छा तो है ही सब। सिंदूर लगा लिया, बस उसके बाद क्या करना है, लिपस्टिक लगानी है, लिपस्टिक जो मेरा फेवरेट है। नहीं एक चीज और, ये है इनका हाइलाइटर, मालियो का ही है भाई, सारे प्रोडक्ट में क्योंकि इन्हीं की यूज करती हूँ। ठीक है, वो कॉम्बो लगाते रहते हैं, आपको अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, कॉम्बो होता है उसमें हाइलाइटर, जिसको फाउंडेशन लेना, फाउंडेशन स्टिक, ये वाली क्रीम, मतलब हर चीज के वो पैकेट लगाते रहते हैं। मैं भी आप लोगों के लिए लगाती रहूंगी डेली उनसे ले लेकर, जिससे कि आप लोगों की हेल्प हो जाए। ये है, इसमें 3 कलर है, एक तो ये हाईलाइट वाला, ये थोड़ा, और एक रोज गोल्ड टाइप में है। ठीक है, जो भी आप लगाना चाहो, हाईलाइटर का यूज करना भी बता देती हूँ, मेरे पे इसका वो नहीं है लगाने वाला, इसी से लगा लेती हूँ। हाईलाइटर को जो भी आप कलर लगाना चाहो, जैसे मैं लगा लेती हूँ ये लगा लेती हूँ, चलो वाइट वाला हल्का हल्का लेना है, थोड़ा थोड़ा यहाँ नोज पे लगा लिया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा यहाँ गालों पे लगा लिया, और कर रही ना मैं ग्लो। नोज आपकी ज्यादा शाइन करेगी, अच्छी लगती है। थोड़ा यहाँ चिन पे भी लगा सकते हो, लगाना चाहो तो। दैट्स इट, हो गया मस्त मेकअप। अब मैं तो किसी शादी में जाऊंगी तो भी ऐसे जाऊंगी, यही लगाऊंगी सिर्फ, और कुछ भी नहीं लगाऊंगी। थोड़ा बहुत और भी कुछ लगा लेती हूँ, तो मैं इयररिंग्स पहन लेती हूँ बड़े वाले, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उससे अलग लुक आ जाता है। कपड़े अच्छे पहनती हूँ, मतलब साड़ी वगैरह, जिससे अलग सा लुक आ जाए। ये क्रीम भाई सब ज़रूर ले लेना, बहुत ही बेस्ट क्रीम है इनके पास अवेलेबल है आरका प्रोडक्ट्स पर। मैं नीचे नंबर और उनकी आईडी सब मेंशन कर रही हूँ, ठीक है, वहाँ से आप ले सकते हो। और ये इनका फाउंडेशन है, जैसे जो लोग कोई फाउंडेशन यूज़ करते हैं ना, तो ये फाउंडेशन है, खा देती हूँ ये भी मैं, यूज नहीं करती हूँ बट कभी कभी कर लेती हूँ। ये है इनका फाउंडेशन, देखो डिब्बी कितनी सुंदर है, मैं तो इसको डिब्बी की वजह से रख के बैठी हूँ, और इसमें फाउंडेशन भी बहुत अच्छा वाला है, लिक्विड लिक्विड जैसा मैट वाला, वैसे लिक्विड नहीं है पानी, मगर बहुत मस्त है। ठीक है, प्राइस वगैरह जिसको जिस चीज़ का भी पूछना हो, वो मैंने नीचे आईडी मेंशन करी है, उनको कर लेना कमेंट कितने की आई किट ये वो सब सब, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ मुझे वैसे भी मिली है, कुछ कुछ चीज़ मैंने खरीदी भी है, तो इसलिए मैं एक एक चीज़ का रेट नहीं बता पाऊंगी। आप उनको मैसेज कर लेना, वो सबके रिप्लाई देंगे। ये प्राइमर जो लोग यूज़ करते हैं मेकअप से पहले, इसको लगाया जाता है बेस के लिए, वो भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी मैं लगाती हूँ, बट ऑफिस जाने के लिए डेली नहीं लगाती, तो मेकअप रिमूवर है। ये है फिक्सिंग मास्क, मेकअप फिक्सिंग, मतलब जैसे मेकअप कर लिया, ये तो ठीक है, अभी इतनी गर्मी नहीं, क्योंकि ऑफिस में एसी चलता है, ठंड रहती है, जैसे आप किसी शादी वादी में जा रहे हो मेकअप फैले ना, इसको लेके थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर लेना, मेकअप फैलेगा नहीं। ठीक है, बाकी परसों मैंने पहले वाले वीडियो में सब कुछ अपना बता ही दिया था, क्या किसको क्या करना है। इसमें आई शेडो पैलेट भी है, नॉटी का, सारे कलर है इसमें, जिसको लगाना हो, मैं तो भी लगाने दी, क्योंकि मैं कोई शादी में नहीं जा रही हूँ, ऑफिस जा रही हूँ। ठीक है, अब रह गई मेरी सबसे कीमती चीज लिपस्टिक, पता नहीं कहाँ रखी है यार। लिपस्टिक पता नहीं कहाँ है, क्योंकि लिपस्टिक मैं कहीं भी यूज करके 2 हज़ार रख देती हूँ, तो लिपस्टिक नहीं मिल रही अभी, तो मैं लिपस्टिक कोई दूसरी यूज कर लूंगी।
बाकी लिपस्टिक भी मैं मालियों की यूज करती हूँ, आप जो शेड लेना चाहे वो उनसे ले सकते हैं, अपनी फोटो भेज देना अपना। हाँ, जिसको अपना वो फेस टोन के हिसाब से लेना होता है कौन सा टोन लेना है वो भी उनको अपनी स्किन भाई फोटो भेज देना है नॉर्मल, वो बता देंगे कौन सा यूज करना है। ठीक है, बंद नहीं हो रहा, मेरी किट छोटी पड़ गई। अगर मेरे पति वीडियो देख रहे हैं तो मुझे एक बड़ी किट ला दो, मैं लेकर आती हूँ लिपस्टिक। वेट, लिपस्टिक मिल नहीं रही है जो मैं यूज करती हूँ। बाकी यूज में लिपस्टिक बहुत सारी करती हूँ, मालियों की भी करती हूँ, फेसेस कनाडा की भी करती हूँ, टेंटेन एक कंपनी उसकी भी करती हूँ। अभी वो वाली मिल नहीं रही तो मैं ये वाली कर लेती हूँ, ये फेसेस कनाडा की है, छोटी मतलब खत्म हो गई, वैसे इतनी बड़ी होती है, लगा लगा खत्म हो गई। एक मैं ये भी यूज करती हूँ, टिन टिन कलर लाइफ, ये हट जाती है मतलब थोड़े यूज के लिए है। बाकी जो मालियों की है मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने, वो पूरी आपकी रहेगी, जैसे आप किसी फंक्शन वगैरह में जा रहे हैं, खाना वाना खाते हैं, पानी वाना पीने, तो वो हटेगी नहीं। ठीक है, ये फेसेस कनाडा की भी है, ये हटती नहीं है, ठीक है, अच्छी है, बट थोड़ा फैल जाती है। तो मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ, नॉर्मल यूज़ के लिए कोई भी लगा सकती हूँ, यही लगा लेती हूँ। हो गया पूरा मेकअप, कुछ ज्यादा चीज करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, नॉर्मल से चीज यूज कर ली। बाकी हाँ, अगर आप किसी फंक्शन वगैरह में जा रहे हो तो आपको पूरी किट की जरूरत है, हर लड़की के पास एक मेकअप किट जरूर जरूर होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए नहीं पता होता। तो मेरे मुंह पर लिपस्टिक लग गई, हट गई ना। और ये लास्ट मेरी बिंदी पूरा हो गया। बाकी आप, ये मेरा था लास्ट फाइनल लुक, मैं वो लिपस्टिक लग गई। ठीक है, और बस यही था, बाकी बाल आप जैसे मर्जी बना लो, मेरे तो सदाबहार है, कैसे बना लेती हूँ पीछे को बांध के। ठीक है, आप अपना जैसे हेयर स्टाइल बनाना चाहे बना लेना, मेरा कोई हेयर स्टाइल नहीं होता ना मेरी कोई कटिंग हो रखी है, मैंने स्मूथनिंग करा रखी है, कैरेटिन स्मूथनिंग दोनों, मगर शादी से एक महीना पहले कराई थी तो फिर बेकार हो गए थे, क्योंकि शादी के टाइम पे जब मेकअप हुआ था तब बेकार हो गए थे। ऐसी यही है सब। बाकी ठीक है, थैंक यू सो मच, नमस्ते। आप भी ऐसे मेकअप करा करो, उनसे प्रोडक्ट ऑर्डर करो, अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं उनके पास, और थोड़े ज़्यादा लाइक कर दिया करो, आजकल बहुत कम लाइक कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। ठीक है, ऐसे सपोर्ट करते रहना, थैंक यू सो मच। बाकी मैं मजाक कर रही थी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा आप सबने, यूट्यूब पे भी करा, यहाँ पे भी करा, जिन जिनको मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ उनको फिर से आज सॉरी कहूँगी, कंघी मुझे लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्या पता चल रहा है किसी को सुलझाए नहीं सुलझाए। बस ऐसे ही बनाती हूँ मैं बाल, ये बन गए, ये करा, ये लिया, यहाँ पे एक क्लिप होगी, दैट्स इट, ये बन गए बाल। ठीक है, थैंक यू सो मच, फाइनली मेरा मेकअप हो गया है, इतना सही, अब बस मैं कपड़े चेंज कर लूँगी, बाकी उसके बाद मैं फुल लुक दिखा दूँगी, आज मैं क्या पहन रही हूँ क्या नहीं, भी रील्स तो बनाऊँगी ही, बाकी आगे बाकी जाके। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही मेकअप कर लेना, अगर आपको किसी चीज़ की प्रोडक्ट की ज़रूरत हो तो आप इनको नीचे, मैंने इनकी आई डी मैंशन करी हुई है, आर का प्रोडक्ट नंबर भी मैंशन किया हुआ है, आप उनसे ऑर्डर कर लेना। ठीक है, और प्लीज़ मेरी ड्रेस पर कोई कमेंट मत करना, क्योंकि मेरी नाइट ड्रेस है और सब कोई ना कोई पहनते हैं, तो प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। अपना ध्यान रखना, सेफ रहना, हेल्थी रहना। मैंने न्यू चूड़ा भी पहन लिया है जो मेरा आशा बैंगल्स से आया, बाकी मैंने साइड वाले बैंगल्स नहीं पहने हैं क्योंकि वो डेली यूज में नहीं पहन सकते, डेली यूज के लिए यही सही है। डार्क मेहरून, थैंक यू सो मच उन सबको जिसने मेरा चूड़ा सिलेक्ट करवाया था, ये चूड़िया मैंने एक्स्ट्रा ली थी उनसे, ये साइड वाली, बाकी मेहरून डार्क तो नया लिया ही था, ये मेरे टैटू भी है यहाँ पे, ब्लेस्ड बाय मॉम लिखा हुआ है, मतलब मम्मी के आशीर्वाद से।
ओके ठीक है, बहुत सारी बातें हो गई, बाय, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, थैंक्स यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो, ध्यान रखना अपना, ऐसे मेकअप कर लेना, टाटा टेक केयर, पूरा लुक एक बार लास्ट में दिखा दूंगी, बाय। This is my final look. I am ready. अब मैं जा रही हूँ ऑफिस के लिए, देर हो गई है बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियो बनाते हुए। बाकी मैंने नीचे जिनकी है जिनसे मेकअप मंगाया उनकी आईडी मेंशन कर दी है, दोबारा से याद दिला रही हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन कर रही हूँ, आप उनको व्हाट्सअप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो और इंस्टा पे भी अपना ऑर्डर दे सकते हो। कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बता देना। नॉर्मल सा मेकअप करा है, ऐसी करती हूँ रोज ऑफिस के लिए, शादी में जाऊँगी तो भी ऐसी करूँगी, बस एक इयररिंग्स डाल लूँगी, थोड़ा सा प्राइमर वगैरह भी लगा लूँगी, बाकी हाईलाइटर मैं रोज नहीं लगाती, आज ही लगाया आप सबको दिखाने के लिए। तो हम चले ऑफिस, बाय, बालों को दोबारा से बनाऊंगी, बाय।